ओम श्री साईनाथाय नमः। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। देखिए बाबा की लीला अपरंपार है। बाबा कब किस रूप में किसे दर्शन दें, कहाँ दर्शन दें, कैसे दर्शन दें, ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ साई जानते हैं कि उन्हें अपने किस भक्त को किस प्रकार खुद के दर्शन देने हैं। तो मेरा आज एक छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए कि देखिए बाबा कई बार उस इंसान के रूप में आते हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा घृणा होती है, हम नफरत करते हैं। इसलिए अगर आपको भी मालिक के दर्शन करने हो तो ये हमारा जो साई है, बाबा है, ये इन्हें किसी चीज़ से नफरत नहीं होती। ये हर एक जीव से प्यार करते हैं, हर पशु पक्षी जानवर इंसान जो भी है ना, बाबा सबसे प्यार करते हैं, ब्रह्मांड से प्यार करते हैं। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी चीज़ों से भी साईं ने प्यार किया है। और यही सिखाया है कि तुम भी हर एक चीज़ से प्यार करो, सब में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा ने कहा है कि तुम बुरा सहते जाओ, कुछ मत कहो। नहीं, आपको जहाँ पे बुरा लगता है आप वहाँ बोलने का अधिकार है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि बाबा ने कहा है अच्छा करो तो हमेशा अच्छा करो। इसका मतलब ये नहीं है कोई आपको पीट रहा है, अगर आप सही हो तो अपना एक पक्ष भी मत रख सको। ऐसा नहीं है। सही और गलत में फ़र्क आपको करना भी आना चाहिए और सही गलत के लिए आप खड़े भी हुए होने चाहिए। अगर कहीं आपके सामने गलत को, अगर सही को गलत कहा जा रहा है तो वो चीज़ भी गलत है। आपको सही का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, ठीक है। बाबा ने ये नहीं कहा कि मूक बनकर खड़े रहो, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं, उनके वचनों को, उनकी रास्ते की, जो उन्होंने जैसे हमें बाबा ने हमें जो सिखाया उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिना समझे हम यूं ही बस समझ लें कि बाबा ने बोला चुप रहने का, इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा सहते जाओ। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप बुरा सहते जाओगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, ठीक है। आपको उतना ही सहना है जितने हमें आपका जो कहते हैं ना स्वाभिमान भी कुछ चीज़ होती है, तो उसको भी बनाकर रखना है आपने। खुद का भी सम्मान करना है, औरों का भी सम्मान करना है। बाबा ये नहीं कहते खुद का सम्मान ही खो दो, नहीं। बाबा क्या कहते हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़, आज गुरुवार है, पता नहीं किस रूप में मालिक आपके दरवाजे पर आ जाए। तो आज के दिन वैसे तो रोज़ आपको एक ही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, कभी किसी को धुतकारना नहीं चाहिए, कभी किसी की निंदा, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके दरवाजे पे, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, कोई आ जाए उसका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। नहीं है, हाथ जोड़ दीजिए। अगर वो उल्टे शब्द कहता है ना आपको, बद्दुआ देता है कि ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, कह दो भैया साईं मालिक है, होना होगा तो वैसे भी बुरा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको उससे बहस नहीं करनी है, आपको हाथ जोड़ देने हैं, भैया हमारे पास नहीं है, पीछे आ जाइए। क्योंकि वो कई बार कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो ज़्यादा की डिमांड करते हैं कि हमें ज़्यादा चाहिए ना, तो नहीं हम दे सकते भाई, उतना नहीं कर सकते, तो आप हाथ जोड़ के पीछे हो जाइए, मालिक देख लेगा। जितना आपके पास है आपने किया बहुत है, ठीक है। लेकिन आपको किसी का अपमान नहीं करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान की भूख मिटाना ही अन्नदान है। आप किसी पशु पक्षी जानवर किसी की भी भूख मिटा सकते हो, ठीक है। वो आपको खुद सोचना है कि आप कितना, आपके पास सामर्थ्य है कितने में, आप क्या कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इंसान को भी भूख लगती है, जानवरों को भी भूख लगती है, वो भी तड़पते हैं बेचारे भूख के लिए, प्यास के लिए। इसलिए जो आपसे बन पड़ता है वो कीजिए। भूख मिटानी है चाहे छोटे की मिटाओ या बड़े की, भूख तो सबकी एक समान है। अमीर की मिटाओ या गरीब की, सबके अंदर एक ही जान है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी दरवाजे पर आए उसका अपमान ना करिएगा। साई किसी भी रूप में आ सकता है। पता नहीं बाबा ने ये मैसेज मुझे क्यों दिलवाया, वो आगे साई जाने। बस आपसे मेरा यही मैसेज था, सबका सम्मान कीजिए और सबसे पहले खुद का सम्मान कीजिए। जय साईं राम।